Everyone, how have you been? I hope you are doing all rosy. Welcome to the very session. This is your English educator, Nidhi Arora now today's topic is going to be all about the last bargain. okay, so the topic, as the topic itself says that it is the last bargain, that means we are just gonna do the last negotiation of this very topic. okay, in case, if you did not understand, do not fret on it too much, do not just use your mind at all. and before diving into the session, just let me know if you all can hear me, see me, and watch me pretty loud and clear. Jaldi se mujhe bata Though, notify me that I like I am audible, visible, and live all at the same time. Batao. Let me know. Uh, notify me. Meanwhile, I will just read out as to what you all have to say. Hi, hi, kids. Hello. How have you been? Welcome to the very session. Okay. Chalo. Perfect. Perfect. I I for one can hear myself and watch myself very clearly, not so vaguely. टॉपिक ओके चलो लेट्स जस्ट डाइव डीप डाउन डीप डाइव इन टू द टॉपिक विच सेज अबाउट द लास्ट बागेन नाउ बिफोर स्टार्टिंग इन बिफोर मूविंग इन हम बात कर लेते हैं बेटा एक बार कि ना बागेन का मतलब क्या होता है बागेन को हिंदी में बेसिकली कहते हैं मोल तोल ओके okay? ध्यान से देखना बागेन मने होता है मोल तोल नाओ यू ऑल मस्ट है दिस मोल तोल इन योर मनटेन लाइव इन योर डेली रूटीन ठीक है

ज गेस वॉट एवरी इंडियन मोम इज प्रफिशेंट इन बार्गेनिंग बार्गेनिंग बेसिकली होता क्या है बेटा नेगोशिएशन होता है जिसमें हम एक फिक्स प्राइस फिक्सड एक कॉल म्यूचुअल कॉल पे एंड अप करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बार्गेनिंग करनी है ऑफ योर मॉम गोज अप टू दिस ग्रोसरी शॉप एंड आस्क आस्क दॉपकीपर अबाउट द पोटेटो प्राइज ओके नाव द शॉपकीपर विल प्राइज फॉर सम यू नो एक्स अमाउंट एंड योर मम विल फाइंड इट प्रिटी एक्सपेंसिव एज ऑलवेज एज इट इज एज यूजल सो इन अकॉर्डिंग टू हर शी विल सेट अ रेट बाय हर सेल्फ उसके बाद वो बोलेंगे नहीं नहीं चलो ठीक ठीक लगा लेते हैं तो ठीक ठीक लगाने को ये जो मोल तोल का भाव करना होता है ना दिस इज़ कॉल्ड बागेन ओके अब इस पोम में ये जो बेपिन चौधरी के बाद वाली पोम है हमारी उसमें हम लास्ट बागेन पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या होगा इसको हम बेसिकली जानेंगे बहुत ही आराम आराम से आराम आराम से इस पोम को कम, कंप्लीट करेंगे यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल ओके बच्चा तो यहाँ पे ना एक मुझे इंसान दिख रहा है बेसिकली अ मैन इज़ विजिबल टू मी प्रिटी क्लियर जिसमें मुझे जो है ये एक फार्मर जैसा आदमी लग रहा है जो कि एक बार्गनिंग के लिए जा रहा है वो उसको ना एक, एक किसी चीज़ की तलाश में है वो बेसिकली ही इज़ इन सर्च फॉर अ मीनिंग इन हिज लाइफ एज वी ऑल आर ओके एज वी ऑल डू इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ़ आर यू नो लाइफ टाइम तो क्या है यहाँ पे लास्ट बागेन का मतलब ये है आखिरी मोल तोल क्या होगा वॉट वुड दैट पर्सन बी अकॉर्डिंग टू एज पर दिस ह्यूमन एज पर दिस पर्सन विच यू नो दिस पर्सन वुड फाइंड ल्योरिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड ही वुड वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर दैट प्रोफेशन सपोज करो कि आप ना अभी आपके ड्रीम्स कुछ डिसाइडेड नहीं है यू हैव नॉट एम्ड फॉर एनी येट, यू हैवेंट इवन आइड यू हैवेंट आइड ऑन एनी थिंग एल्स येट आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि आपको बड़े होके, ओके इवन दो इवन दो यू हैव प्लान ऑफ ड्रीमिंग आउट बिग इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स बट स्टिल यू हैवेंट डिसाइडेड वॉट दैट बिग ड्रीम वुड बी अबाउट ओके इफ दैट इज द केस विद यू Uh, you are not alone in that rut, in that vicious circle. Everybody is circling back to their dreams. तो so, जबी जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, इतनी सारी opportunities की वजह से, growth की वजह से, हमारे जो dreams हैं, goals हैं, desires हैं, aspirations हैं, life का जो meaning है, purpose है, वो सब vary करता जाता है, because the kind of people we come across during our journey, during our parts of life, right? तो so, इस person के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, he meets a lot of people on his like job. In his journey to success or to growth or to being, you know, uh, to adulting, so to speak. तो उस जर्नी में उसके जितने भी लोग जिनसे वो इनकाउंटर करता है क्या वो उनकी तरह बनना चाहता है डज ही लुक अप टू देम इन सीइंग देयर जर्नी एंड इन सीइंग द इमेज ऑफ देयर जर्नी ऑन टू हिज ओन नो एक्चुअली बट लास्ट में वो एक ऐसे पॉइंट के साथ पहुंचता है जहां पे वो सोचता है यार ये वाला जो चीज़ है वो सबसे अच्छी है मैं इसको अकोमोडेट करूँगा और ये चाहूंगा अपनी लाइफ में तो यहाँ पे मोल तोल चल रहा है कि वो आखिरी में क्या चाहता है अपनी लाइफ से आउट ऑफ हिज लाइफ व्हाट डज ही बेसिकली वांट उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन विदाउट फर्दर अडू ह्यर्स टू प्रेजेंटिंग लास्ट मोल तोल ओके लास्ट नेगोशिएशन कह सकते हो लास्ट बागेन की बात होगी ओके सो आई विल राइट इट डाउन जॉट डाउन हियर एज नेगोशिएशन राइट नेगोशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे तो आखिरी नेगोशिएशन होगा ये सो हियर मी आउट रिडी लाउड एंड क्लियर आगे बढ़ने से पहले आई विल वॉक यू थ्रू अराउंड एज लाइक एज पर आर रिचुअल जो भी हमारे अन अकेडमी के लेटेस्ट फीचर्स हैं मैं उनसे आपको वाकिफ कराऊंगी बिकॉज मेनी ऑफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म न्यू टू यू नो आई कैन already see many uh, of the participants, many of the learners as fresh faces. so i would take this time out and to make you familiarized with some latest features on an academy. so in case, you already planned, could purchase kar rahe ho an academy plus so mein rakhni hai you should not forget to apply this single most code, just naam hai nidi 01. okay? you must apply this code and get everything at flat 10% off and you can easily ace your school exams with an academy plus as well okay so do that follow that rule another thing that I'd like to talk upon is uh, my introduction of course because uh, because as you all are like many of you seem fresh faces to me and I wouldn't want you to feel awkward in here okay this place uh, I want all of you to feel at home here and just be comfortable so more than a teacher an educator I'd like to be a confidant a friend uh, most of all okay to see to say the most. Now as I've already told you my name that my name is Nidhi Arora and I am your English educator only on Unacademy India's largest online learning platform right Apart from my name, I would want you to envisage through uh, my past experiences, my history, my educational backgrounds and my uh, specifications, so to speak, right? So I have been in education space for quite a good while now and in all of my three years of experience in teaching, i have successfully mentored and coached 5000 plus students till date who are coming and belonging from ssc and nda backgrounds two i have also tried my hands on cbse and state board aspirants as well speaking of my own self now so i am an inspire scholar and net LS qualified and i have written gmat as well and I have, I had pursued my graduation in chemistry from Hansraj College, Delhi University. After that, post that, I had pursued my post-graduation in chemistry itself from Jamia. Right. So here's to what my introduction speaks about, speaks like. Now that's pretty much about it, I guess. In case if you are more intrigued to know of the insights, then you've got to stick by the session and let's just ride the session. Okay. Yes. Would ya? अब जो है मैं आपको आफ्टर बहुत हो गई ये इंग्लिश गिरी अपनी हम ना कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अनकैडमी पे हाल फ़िलहाल में आए हैं लेटेस्ट फीचर है बच्चा ये ठीक है प्लीज़ ध्यान से सुनना है आप लोगों को बिकॉज दिस विल रियली चेंज योर वर्ल्ड इथ दिस दिज फीचर्स इफ़ यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ दिज फीचर्स दैन Uh, it can do wonders to your lives. Okay, so just hear me out properly for like five to ten minutes or so uh, for the coming session, and then we will begin the show. And for that, also you've got to stick by the ses session and hear me out properly. Okay, chalo. With all the spick and spans, shall we just proceed? एक ये हमारा जो रिचुअल है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि अन अकेडमी पे इफ़ यू डोंट ऑलरेडी नो देन नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू नो दैट अन अकेडमी हैज़ लेटली लॉन्च सम स्पेशल एंड सम लेटेस्ट फीचर्स अब इसमें जो है पहला फीचर है बग्स बाउंटी बग्स बाउंडी क्या है बेसिकली इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी है सारे लर्नर्स के लिए जिसमें कि अगर आपको कोई भी कॉन्टेंट किसी भी एजुकेटर के थ्रू लगता है इनअप्रोप्रिएट देन जस्ट फील फ्री टू रिपोर्ट दम आउट ओके आपको उस कॉन्टेंट को रिपोर्ट करना है और अपना प्राइज भी क्लेम कर सकते हैं आप सो जस्ट यू मे ट्राई योर लक ओके अगर आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट को रिपोर्ट करोगे प्रोवाइडेड दैटो यू नो रिपोर्टिंग पार्ट शुड भी लिजिबल इनअफ जो आपका कॉन्टेंट जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है वो लेजिबल होना चाहिए ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के पर्सनल दुश्मनी निकाल दी इस एजुकेटर ने हमें रिप्लाई नहीं किया सो विल रिपोर्ट दैट दैटेंट नो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय योर पार्टी ओके बाय ऑन योर एंड तो क्या होएगा कि आप रिपोर्ट अगर करोगे तो उसके लिए जो फॉर्म है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सो हरी आप गो चेक फॉर्म आउट ओके एक और चीज की बात करता है सेकंड फीचर इज ने बायमी आस्कड आउट नाउ व्हाट इज दिस फीचर कॉल्ड कॉल्ड इज दिस फ्यूचर मैं आपको बताती हूँ ये इतना स्पेशल इतना एक्सक्लूसिव फीचर है जिसमें सारे बच्चे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे किसी भी क्षेत्र से बैठ के आपको जो वीडियो सोल्यूशन है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल कराया जाएगा आपको क्वेश्चंस के एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे और आप इंस्टेंट और एक्यूरेट सल्यूशन लाखों क्वेश्चन का निकाल सकते हो नॉट जस्ट दैट इतना नहीं इतना नहीं आई हैव मोर थिंग्स टू से इन सपोर्ट टू सपोर्ट द यू नो इंस्टांस कि आपको ना आपके होमवर्क में भी हेल्प मिल सकती है सो इफ यू फाइंड एनी एजुकेटर अड इनफ टू बी गिविंग यू यू नो होमवर्क बाय होमवर्क असाइनमेंट्स बाय असाइनमेंट्स देन नाउ इज योर मोमेंट टू शो योर सास आपने करना क्या है आपने बस इस अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आस्क अ डाउट की हेल्प लेनी है तो अब क्वेश्चन आता है मैम हाउ टू आस्क अ डाउट मैम कैसे पूछें बिकॉज वी ऑफनली गेट स्टार्ट इन अकॉर्डिंग टू विच वी कैन नॉट लाइक आस्क एनी डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं आपको बताती हूँ प्रायो मोस्ट एप जो यहाँ पर गिवन नहीं है बट यू विच यू आर स्टिल मिसिंग आउट ऑन एज आप कहीं पर भी डाउट्स पूछने लग जाते हो बट नो दैट इज नॉट द की पॉइंट दैट यूर अ बाइट टू यू नो फॉलो आपको क्या करना है बेटा अन अकेडमी लर्निंग ऐप यू शुड बी हैविंग वाई लास्टिंग अ डाउट अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर ही आपने डाउट पूछना है उसके बाद जब आप उसको लॉग इन कर लोगे उस पर साइनअप कर लोगे जैसे कोई भी सोशल मीडिया पे आप एंट्री मारते हो उसके बाद आप आफ्टर यू सेट अप योर प्रोफाइल पिक्चर तो आपकी जो नॉट सो so आधार कार्ड लुकिंग वाली जो फोटो है ना अंडरनीथ दैट फोटो ऑफ योर्स आपका आज का डाउट ऑप्शन दिख रहा है मुझे स्टेप वन में ओके सो वंस यू डू दैट आपने अपने क्वेश्चन की फोटो या तो पहले से खींच के रखनी है फ़ोन में या फिर उस टाइम पर खींच लेना कैमरा की भी एक्सेसिबिलिटी ये देता है ऑप्शन ओके okay?

उाइल डाउट है इवन देन यू शुड नॉट क्लटर एंड पाइल ऑन थिंग्स एंड बंबार्ड आर सिस्टम विथ टू मेनी डाउट नो यू शुडेंट एवर डू दैट ओके ओनली वन डाउट एट अ टाइम यू मस्ट आस्क फ्रॉम दी आस्क डाउट फ्यूचर फ्रॉम आर एक्सपर्ट उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट में कैटेगराइज कर देना जिस भी सब्जेक्ट का आपका वो डाउट है फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का हिस्ट्री का ज्योग्राफी का सोशल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट हो इंग्लिश हो चाहे वो साइंस हो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जी ओके कैटेगराइज करने के बाद हैंग इन देयर विल बी प्रोवाइडेड झकास एंड टॉप टॉप नॉट बाय आवर एक्सपर्ट्स ऑन अनैडमी लर्निंग एप एक्सक्लूसिवली ठीक है तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है एंड जस्ट मेक बेस्ट यूज ऑफ इट यूटिलाइज टू द फुलेस्ट बस एक बारे में एक एक क्वेश्चन पूछना और ध्यान रखना कुछ कंडीशन की आपको जो है हैंड रिटन डाउट्स नहीं पूछने हैं अवॉइड करना बिकॉज हेलो वी डोंट वांट टू वॉच आउट ऑन योर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डू वी नो वी डोंट ओके सो इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आप ट्राई करना कि आपका बुक्स uh, में प्रिंटेड फॉर्म में ही डाउट जाए ओके सो दैट्स दैट्स अबाउट इट इतनी चीज़ों को ध्यान रखोगे देन रॉक कर दोगे ओके okay? आफ्टर दैट देन देन तो चलो हो गया है उस चीज़ को याद रखोगे देन रॉक कर दोगे फिर रॉक कर दोगे ठीक है आई शुड हैव स्पोकन द होल सेंटेंस इन हिंदी इराधर है ना चलो ठीक है अब एक और बात करते हैं अन अकेडमिक कॉम्बैट चैलेंज की बात कर लेते हैं अन अकेडमिक कॉम्बैट स्कॉलरशिप आप लोगों को पता है क्या होती है बट फॉर दोज फॉर द वस हु डोंट नो येट मैं आपको बता देती हूँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो एवरी वीक एंड दैट ठेक्स प्लेस ठीक है इस बार जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस के ऑस्पिशियस ओकेजन पर द टेस्ट इज गोइंग टू बी कमेंड एंड कंडक्टेड एट शॉप ट्वेल्व पी एम फॉर सिक्स टू एट्स सो ऑल यू लिड किड्स ऑल यू मंच आपको ध्यान से समझना है अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ये जो तो टेस्ट है दैट विल मेक यू विन स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज वन करोर विच इज अ मैसिव मैसिव अमाउंट आपने करना क्या है बस प्रेप फॉर योर एग्जाम्स प्रेप योर टेस्ट वेल

जल्दी से इनरोल करो इसमें अपने आप को लुत्फ उठाओ और अपनी अकेडमिक्स को फंड करने के लिए एकजुट हो जाओ ऑल राइट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है इन केस इफ यू थिंक दैट यू आर लैकिंग एंड यू आर नॉट एबल टू विन द प्राइज मनी देन अब आपको एक ऑल्टरनेट बताते हैं क्योंकि यार देर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी इन अकॉर्डिंग टू योर फेल्ड पॉइंट्स और योर यू नो वीकनेसेस तो हम आपको बता देते हैं एक बात है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ़ीचर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ मैं सिर्फ आपको जो है उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगी रेस्ट द चॉइस विल बी योर्स यू विल हैव टू फॉलो एंड प्रोसीड द स्टेप्स ओके प्रोसीड द स्टेप्स तो ध्यान से सुना है बिल्कुल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको अगर जैसे कि स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी में कंपैरिजन करके मैंने बहुत प्यारे तरीके से बताया था जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लो दो टाइप के बच्चे हैं स्टूडेंट ए कहता है यार मैं तो ऐसे अपना फ्यूल वगैरह पूरा खर्च करके लाइव क्लासेस को कोचिंग को लेने के लिए जाता हूँ ट्यूशन जाता हूँ ठीक है गेड़ी भी मार लेता हूँ थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ दोस्तों से मिल लेता हूँ हाई जिया कैसे हो कर लेता हूँ गप्पे भाग हाँ लेता हूँ बस मस्त मेरा जो है टाइम पास हो जाता है तो स्टूडेंट बी कहता है और पढ़ाई पढ़ाई कैसे मतलब मुझे तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता और मुझे अपने अपने कंफर्ट जोन में घर पे बैठ के सारे क्लियर करने को मिल जाते हैं। oh कहता है ओहो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मुझे जो है पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे अपने कोचिंग सारे जो मेरे साइंस सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स मुझे ना एक ही टीचर बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं ऑल इन वन उनको इतनी नॉलेज है एकदम ठीक है तो स्टूडेंट ये कहता है अच्छा बहुत अच्छी बात है यार क्या तू कंप्यूटर साइंस में कोडिंग पढ़ लेता है क्या तुझे और भी बहुत सारी करिकुलम के बारे में पता है तो बोलते हैं नहीं यार है, मुझे तो नहीं पता स्टूडेंट ये कहता है भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मुझे अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे कोर्सेज का ऐसा नहीं है मेरे पास जो मेरे अकेडमिक के कोर्सेज है वही अवेलेबल है सब कुछ अवेलेबल है प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर करें हम यहाँ पे तो एज फिर वो बोलता है स्टूडेंट है अच्छा पता है यार हमारे तो एजुकेटर ही इतने अच्छे हैं उनको तो सब भगवान मानते हैं बहुत अच्छा मानते हैं तो स्टूडेंट भी कहता है वही एजुकेटर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं और उनके साथ साथ हज़ारों और एजुकेटर्स पढ़ाते हैं सो तो टॉप एजुकेटर्स जितने भी हैं इंडिया के दे आर देयर अंडर द सिंगल अमरेला टू इम्पार्ट नॉलेज इन आ ऐसा स्टूडेंट भी थोड़ा सा बोस्ट करके फ्लॉन्ट करके बोलता है तो स्टूडेंट ये बोलता है यार मैं तो ना डाउट क्लियरिंग में मतलब काफ़ी भीड़ हो जाती है बट हाँ क्लास

स्टूडेंट ही कहता है यार बुस मुझे बेस्ट बुक्स प्रोवाइडेड हो रही हैं ठीक है मैं जो हूं बुक्स के लिए अलग से पे करता हूं उसके बाद मुझे बहुत सारी बुक्स मिली है इतनी सारी बुक्स है वो सब मैं पढ़ डालूंगा तो स्टूडेंट भी कहता है भाई मेरी दुनिया तो बाइट साइज चिप में समा गई है जिसमें कि मैं अपने स्टडी मटीरियल को पीडीएफ की फॉर्म में रखता हूँ बिल्कुल क्योंकि टेक्सावी दुनिया हो गई है ना मैं प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट सीरीज क्विजेज डेली एमसीक्यू सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज सब कुछ मैं जो है ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर लेता हूँ सेव वर्थ सेव पेपर्स के पे चल रहा हूं बिल्कुल सस्टेनेबल प्लस मुझे बुक्स का बोझा उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे चाहिए मेरा वार्ड्रोब एकदम क्लीन हो ठीक है तो मुझे अपने वार्ड्रोब को खाली बुक्स से पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है खाली बुक से बढ़ आ, भरने में तो फिर वो बोलते हैं यार हमारे टीचर्स तो गाइड भी करते हैं तो वो बोलता है स्टूडेंट भी अबे हमारे तो पूरे मतलब जो स्टूडेंट्स गाइड करते हैं वो अलग टीचर्स जो गाइड करते हैं हमें तो एजुकेटर्स से स्पेशल स्पेशली मोटिवेशनल सेशन मिलता है ऐसे नहीं कि क्लास के बीच में वो मोटिवेट करो अलग से सेशन लेते हैं तो भाई स्टूडेंट ए तो शॉक्स अब नाउ स्टूडेंट बी रॉक्स तो मतलब आपको डिसाइड करना है हैड यू बेन आउट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स हु वुड यू वॉन्ट बी ओके वॉट वुड यू टेल योर प्रजेंट सेल्फ़ टू बी लाइक अच्छा मतलब कि आपको स्टूडेंट या स्टूडेंट बी में से कौन सा बनना है क्या प्रेफर्ड टाइम के साथ आप जाना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को ले लेना इफ़ यू वॉच समन हु इज़ लाइकली टू फॉलो स्टूडेंट बी स्ट्रैटी अगर आप प्लान बी में जाते हो स्टूडेंट बी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ वो जो स्टूडेंट बी है बेसिकली वो लेता है सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी प्लस से ठीक है वो जो स्टूडेंट बी है उसने सोचा था मैं ट्रायल बेसिस पे जाऊंगा सिक्स मंथ्स के लिए आई एम नॉट सो श्योर आई एम नॉट सो सर्टेन अबाउट माय कंपैटिबिलिटी विद ऑनलाइन क्लासेस तो उसने जो है वन सिक्स सिक्स सेवन अमाउंट पर मंथ देने का सोचा उसको सूच वो लगा एकदम फीजबल लगा पॉकेट फ्रेंडली लगा नॉमिनल लगा क्योंकि उसके एजुकेटर्स ने भी इतनी हेल्प करी उसकी उसके एजुकेटर्स ने बोला दैट वी हैव गॉट यू कवर्ड बच्चा अगर आपने ये कोड लगा डाला कौन सा कोड जी ये वाला निधि ज़ीरो वन वाला तो आपकी लाइफ हो जानी है जिंगा लाला क्यों भाई क्योंकि आपको फ्लैट टेन परसेंट ऑफ मिल रहा है ना यहाँ पे इस कोड से सो यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ इट यूटिलाइज टू द फुलेस्ट और टीचर्स इतने हेल्पिंग है एजुकेटर्स इतने हेल्पिंग है उन्होंने अपना कोड लगवा के प्रोमो कोड लगवा के Uh, कोई भी क्लास हो चाहे मेरे कितने भाई बहनों मैंने सबको सबकी अकेडमिक्स फंड कराई है और मुझे स्कॉलरशिप मिली है ठीक है अब मैं सिक्स मंथ्स लग गया एंड आई रियली लाइक द प्लान सो आई वेंट फॉर एन अपग्रेड अब मैंने अपने प्लान को अपग्रेड करा अब मैं जो हूँ सीधा ट्वेंटी फोर मंथ्स के प्लान पर गया हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे दिस प्लान सेव्स इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी and it saves on a lot of money which i think i might have wasted while uh, i was you know taking tuitions or coaching somewhere else ठीक है तो ये जो है स्टूडेंट बी की स्ट्रेटी थी इफ़ यू थिंक दैट यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग क्लासेस अमंगस्ट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू हैव ऑलवेज बिन इन अ हैबिट ऑफ अटेंडिंग पर्सनल वन ऑन वन मेंटोरशिप एंड ट्यूशन सेशंस तो आप प्राइवेट ट्यूटर से हट के हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी आ सकते हैं जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप से लेके सारी लाइव डाउट सॉल्विंग गाइडेंस और वीकली रिपोर्ट पर्सनल कनेक्ट पेरेंटल कनेक्ट आपका पूरा मिलेगा और Uh, जैसे फिटनेस में भी अगर कोई जाए वो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाए तो उसका डाइट चार्ट अलग से बना के दिया जाता है ना पर्सनल ट्रेनर जो है अलग से चार्ज करते हैं उस पर स्पेशली ध्यान देते हैं एंड दे रियली एंश्योर कि भैया इसका वेट सबसे पहले गिरना चाहिए बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे भी आपका स्टडी प्लान और वीकली रिपोर्ट के हिसाब से आपको बनाया जाएगा और सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार अन अकेडमी के सो यू कैन ऑल्सो ऑफ फॉर आईकॉनिक्स सब्सक्रिप्शन एज वेल इसकी जो प्राइसिंग है वो वो भी अगेन पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द एम्यूनिटीज़ दैट अन अकेडमी हैज़ इन स्टोर फॉर यू गाइज ठीक है तो फिर आपने क्या करना है जी सिक्स मंथ्स के साथ इसमें भी अपडेट पर जा सकते हो निधि ज़ीरो वन कोड इज़ अ यूबिक्यूटस कोड विच विच गेट्स अप्लाइड एवरीवेयर सो यू जस्ट इन शॉर्ट डैट यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट अप्लाई इट एंड देन लेट जस्ट गेट गोवे इन ओके चलो और भी कुछ बातें कर लेते हैं फटाक से हमारा जो अन अकेडमी पे प्लस और आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया ना बेटा वो एक्सपायर हो जाएगा सिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट को कैसे अगर आपने ऑफर में ट्वेल्थ से एटीन मंथ्स तक कुछ खरीदा है ट्वेंटी फोर से फोर्टी एट मंथ्स तक कुछ आपने खरीदना है या फिर कोई प्लान है जो सिक्सटी मंथ से एटी फोर मंथ्स तक जाना है तो आपको uh, साथ में जो है फ्री सी बी एस ई सब्सक्रिप्शन और क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन यानी कि एग्जाम से रिलेटेड सारी इंक्वायरी और क्रिएटिव कॉर्नर से रिलेटेड करिकुलम से रिलेटेड सारी इंक्वायरी यहाँ पे मिल जाती दो महीने के लिए चार महीने के लिए छः महीने के लिए रिस्पेक्टिवली जैसे यहाँ पे मैंशंड है तो अगर आप कोई प्लान आज खरीदोगे वर्सेस अगर इफ यू आर ऑलरेडी प्लानिंग है ऑन टू पोर्चेज टू गो फॉर अ पोर्चेज आफ्टर टू डेज़ और थ्री डेज एट मैक्स देन डू नॉट फ्रेट ऑन इट टू मच क्योंकि ये जो ये जो ऑफर मिल रहा है जब कोई अवेल करो कोई चीज़ तो भरपूर तरीके से करो ना जस्ट अवेल इट टू द फुलेस्ट ट्राई इन फंड योर अकेडमिक्स इन हाउ सो एवर वे योर पेरेंट पॉकेट अलाउज यू टू यू नो बी फंडेड तो आप टेन uh, परसेंट uh, अगर डिस्काउंट यहाँ पे पा रहे हो तो साथ साथ में फ uh, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ तो फाइव हंड्रेड सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो जिसको ये दोनों क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन और सी बी एस ई सब्सक्रिप्शन मिल रही हो फर्स्ट कम फोर्स ऑफ बेसिस पे है सो हरिया आप डोंट वरी डोंट डिले दिस रट ओके चलो एक और चीज़ बतानी है लास्ट चीज़ है बिल्कुल बिफोर वी बिगिन द शो शेल वी शेल वी जस्ट डिस्कस चलो ये भी बता देते हैं आपको फर्स्ट ले मी जस्ट सी एज टू हु ऑल आर देयर हु ऑल वांट्स टू ह्योर एंड स्टिक बाय द सेशन क्लियरली येस गेमी आ च्योर गिव मी सम सॉर्ट ऑफ यू नो एफर्मेशन एज टू यू गाइज आ देर ऑल राइट right. चलो आगे चलते हैं अब एक और चीज़ बेटा इसमें यहाँ पे हमारे पास में आती है जिसका नाम है वन स्टॉप सोल्यूशन ओके मी आउट प्रॉपरली फॉर लाइक या सिक्सटी सेकेंड जैसो यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन बेसिकली क्यों बोला गया किसको बोला गया वन स्टॉप सोल्यूशन यानी कि एक ऐसी चीज जहाँ पे आपको हर चीज़ का सल्यूशन मिल रहा हो समाधान मिल रहा हो कैसे भैया अन अकेडमी का जो हमारा क्लास पार्ट चैनल है ना यहाँ पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है जितने भी सिक्स टू टेंथ के बच्चे हैं उन सभी के लिए बिकॉज वी हैव गॉट्स यू अ डिसाइडेड टाइम टेबल जिसमें कि वेर इन ऑल द एजुकेटर्स कम इन एंड ट्राई टू इम्पार्ट एंड इनकलकेट स्किल्स इन यू गाइज ये जो आपका टाइम टेबल है वो शुरू से ही सेट किया गया है सो एट टू पी एम यू ऑलवेज हैव योर मैथ सेशन इफ यू हैव एवर नोटिस पोज दैट फॉलोड बाय योर इंग्लिश सेशन बाय योर्स ट्रूली एट थ्री थर्टी पी उसके बाद आफ्टर मी बगिंग अप योर हेड मी गेटिंग डन विद बगिंग अप योर हैड बाइटिंग योर हेड ऑफ आफ्टर दैट उसके बाद यू हैव अ रट इन ऑर्डर टू स्टडी दिस यू नो योर साइंस सब्जेक्ट एट फाइव पी एम फॉलोड बाई सोशल स्टडीज एट जैसे ये वाला जो आपका टाइम टेबल है ना इट्स फिक्स्ड एंड यू नो इट्स स्पैन देर इज नो ऑल्टरेशन एंड सब्सटीट्यूशन इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू द सेम आपको इस वन स्टॉप सोल्यूशन में क्या मिल रहा है सारे बेस्ट एजुकेटर्स आ रहे हैं एंड दे आर मेकिंग यू डन एंड डस्टर्ड विद दैट वेरी कॉन्सेप्ट विद दैट वेरी चैप्टर इन वन शॉर्ट रिविजन तो यानी कि आपको वन शॉर्ट सेशन मिल रहा है हर एक टॉपिक के एक टॉपिक एक सेशन में ख़त्म इसका मतलब सी बी एस ई क्लास सिक्स टू टेंथ के लिए ये जो अपडेटेड सी बी एस ई कारिकुलम है इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई इसमें ऑल्टरेशन नहीं है यानी कि एक चैप्टर करना है तो मतलब करना ही करना है आपका जो बेटा स्कैड्यूल है वो फिक्सड है और क्यूरेटेड कॉम्पोने कॉन्टेंट आपको दिया जा रहा है यानी कि बातें कम काम ज़्यादा है और सजावट के साथ अच्छे से ताकि आपको एग्जाम में आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो ओके okay? सो so, आपको अच्छे से समझ लेना है बस इस बात को राइट right? Chalo, so that's uh, I, I think i believe that we are done with all the promotions all the things that i uh, found it necessary for you all to understand i needed to tell you so now uh, let's just begin the show by understanding as to what our agenda for the day agenda for the session is going to be what will we learn today but party basically hum thoda sa janenge allow me a moment just so i could make you familiar with our agenda ओके ऑल राइट परफेक्ट चलो आगे देख लेते हैं यहां पे बोला गया है आज का जो मेरा एजेंडा है ना सबसे पहले तो द लास्ट बागिन के हम पोइट के बारे में समझेंगे अब ये पोइट के बारे में समझना क्यों जरूरी होता है पहली बात तो वन मार्क का क्वेश्चन में उनका नाम आता है दूसरी बात उनकी लाइफ स्किल्स से हम कुछ ना कुछ लेसन गेन करते हैं और समझते हैं कि ये जो पोम है वट इज इट गोइंग टू बी अबाउट ओके एंड जस्ट टू क्लियर अप द एयर जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक वी जस्ट ट्राई टू इन ग्रास्प थिंग्स अराउंड इट उसके बाद हम टॉपिक को कर देते हैं समराइज अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके लिए आई हैव अ सरप्राइजिंग थिंग लाइक विच यू हैव टू वेट एंड वॉच आउट टिल द एंड ऑफ द सेशन ठीक है तो एंड में जो है आप लोग के लिए एक अच्छी सी चीज़ आएगी बीट इन द फॉर्म ऑफ क्विज और क्यू एन ए राउंड जिसमें आपको सफाया करना रहेगा ओके सो मेक श्योर दैट यू वॉच द सेशन टिल द एंड ऑफ इट एंड जस्ट लाइक एंड शेयर दिस वेरी सेशन एज वेल यहाँ से लाइक करना शुरू कर दो शेयर कर दो जस्ट सो मोर पीपल को ज्वाइन इन एंड वी कैन एनहेंस आर नॉलेजेस नॉलेजेस मैं वी कैन एनहेंस आर नॉलेज टूगेदर ओके माई बैड चलो आगे चलते हैं मूविंग ऑन यहाँ पे मुझे कौन दिख रहे हैं मुझे तो सदगुरु जी जैसे लग रहे हैं सदगुरु जी नहीं है बेटा ये बुद्धू बच्चों ये है हमारे रबिंद्र नाथ टिगोर कौन है रबींद्रनाथ टिगोर बिकॉज दस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग सो वी मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द फेमस जन गण मन जो हमारा नेशनल मै हैज रिटन बाय रबीनाथ टेगोर ओके तो हम ये लिखेंगे इनकी कॉम्पोजिशन इनकी राइटिंग है सो दिस इज रबीन्द्रनाथ टेगौर लिख देती हूँ मैं यहां पर रबिंद्राथ टेगोर करेट डू वी हैव एनी फर्दर डिस्क्रिपेंसीज़ इन अकॉर्डिंग टू द सेम नो डैम वी डोंट तो रबिंद्र नाथ टेगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है ओके okay, राष्ट्रीय गान लिखा है यह हमारा आई एम नो आई एम नॉट गो नो सिंग इट आउट फॉर यू सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग दैट नाउ इज द मोमेंट फॉर अस टू सिंग दैट सॉन्ग इन कोरस देन दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज वी हैव टू स्टैंड अप ओके इन यू नो मार्क अटेंशन पोजिशन जस्ट टू हियर दम आउट सो वी वोट डू दैट राइट

चलो रविंद्रनाथ टेगोर के बारे में फटाक से हम जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कुछ डायलॉग सुन लेते हैं ओके यहाँ पे बोला है बच्चा रविंद्रनाथ टेगौर का फर्स्ट वन मार्कर तो हमारा शॉर्ट हो गया कि लास्ट बागिन को लिखा है हमारे रविंद्रनाथ नाथ टेगोर ने अब Uh, उनके थोड़ी सी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो बंगाली थे तो वो कैलकटा से थे बेसिकली और उनका डेथ बर्थ डेट और डेथ डेट देख लेते हैं सो ही वॉज बॉर्न ऑन सेवंथ ऑफ मे एटीन सिक्सटी वन उनका बर्थ डेट है एंड ही डाइड दिस मैन रबिंद्राथ टेगोर डाइड ऑन सेवंथ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी वन सो जो डेट एकदम सेम है बट सेवंथ में सेवेंथ ऑगस्ट का फ़र्क है नाइन्टीन फोर्टी वन में ही डाइड ओके ही वॉज बॉर्न इन कलकत्ता ओके सॉरी नाउ इट इज़ नोन एज कैलकटा के ओ एल के ए टी ए कोलकाता जिसको आप बोलते हो कैलकटा में इनका जो है बर्थ हुआ है बॉर्न हुआ है जन्म हुआ है इंडिया में ही वॉज अ बेंगोली पोएट वो बांग्ला में लिखते थे तो बेंगोली पोइट थे कवि थे बेंगोली राइटर भी थे लेखक थे कंपोजर गाने वाने लिखते थे फिलोसोफर यानी कि फिलासफी की बातें करते थे सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज को बदलने वाले सुझाव के सोच के व्यक्ति थे एंड पेंट पेंटिंग भी करते थे एंड आज भी ऑल नो जो कैलकटा है और जो बंगाल है वो पूरा जो एरिया uh, है दैट इज रियली सॉरी ओके सो दैट इज़ हाईली रिच एंड फेमस फॉर म्यूजिक आर्ट एंड डांस तो हमारे रिच हेरिटेज हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ओके सो हियर इज वॉट वी राइट दिस हियर इज़ हाउ वी राइट दिस अपॉन तो हमारे जो फेमस रबेंद्र नाथ टेगौर थे क्या क्या थे वो पोएट थे लेखक राइटर थे कंपोजर थे सोशल रिफॉर्मर थे दुनिया बदलने वाले पत्रकार पोपटलाल की तरह और पेंटर भी थे सपोज ह्योर इज अ पेंटिंग दैट ही मेक्स हरी राइट यस he would do painting as well pardon my drawing skills though i just got carried away by the fact that he was a painter yes the यहाँ पे देखते हैं द लास्ट बागेन इज़ अ पोम लास्ट बागिन एक पोम है बार्गेनिंग बार्गेनिंग बेसिकली कब करते हैं बेटा बार्गेनिंग नेगोशिएशन तब भी करते हैं जब कोई जॉब ढूंढने के लिए जाता है और एक बेसिक पेमेंट उसको सैलरी की नेगोशिएट uh, करना होता है सैलरी एक कॉल लेनी होती है तो वो उस पर भी बोलता है ठीक है कि मुझे आई हैव दिस मच ऑफ रिक्वायरमेंट बट द कंपनी ऑफ समथिंग एल्स तो उस वजह से भी uh, तो लास्ट बागिन एक पोम है डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ अ मैन वो बेसिकली एक आदमी की स्टोरी को डिस्क्राइब करता है हु इज़ इन सर्च ऑफ अ जॉब जो एक भटकती हुई आत्मा नहीं है लेकिन भटकती हुई जॉब की तलाश में ज़रूर है ओके नाउ अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी हियर और यहाँ पर क्या बोला गया जो है जो रविंद्रनाथ नाथ है यहाँ से हमारा वन मार्क का क्वेश्चन सीधे सीधे सॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जामिनर पूछता है दैट हु इज द पोइट ऑफ द पोम द लास्ट बागे नाउ ऑल यू आर लेफ्ट विद अ सिंगल ऑप्शन दैट इज टू राइट डाउन जॉट डाउन की रविंद्रनाथ नाथ है उसके बाद हमने देखा कि भैया उन्होंने बताया कि उनका बर्थ डेट और डेथ डेट बताई हुई है एंड ही वॉज बॉर्न इन कैलकटा ओके कैलकटा इंडिया में ही वॉज बॉर्न बेसिकली अब वो बंगाली पोइट थे राइटर थे कंपोजर थे गाने वाने लिखते थे फिलोसोफर भी थे सोशल रिफॉर्मर पेंटर के साथ साथ सब कुछ ठीक है तो जो लास्ट बागिन है वो एक ऐसी पोम है जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि जॉब की काम की तलाश में है गेट आर वी गुड आर वी क्लियर चलो ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट प्रोसीड यहां पर अब आपके लिए कुछ स्टेप्स आ जाते हैं विच यू हैव टू अबॉइड ऑन नाउ ह्योर मी आउट वेट ओके या लिसन टू मी नाउ यहाँ पे बोला गया है बेटा कि uh, जो बिफोर यू रीड है ना दैट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन टू योर यू नो स्टेटमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू और योर ओपिनियन योर परस्पेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ सो दीज क्वेश्चन मार्क्स विल इवेंचुअली मेक यू थिंग्स मेक यू लुक एट अ परसपेक्टिव ओके मेक यू थिंग्स लुक एट अ परसपेक्टिव बेसिकली तो आपको बताया जाएगा कि बार्गेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे और आप क्या सोचते थे अभी तक में सो ह्योर दीज पॉइंटर्स आउट वेरी क्लियरली राइट right? चलो देखते हैं यहाँ पे बोला गया बेटा आ बागेन इज एन अग्रीमेंट बागेन क्या होती है बेसिकली मोल तोल करके हम फाइनल अग्रीमेंट पे पहुँचते हैं इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर तो बोथ दोनों पार्टीज़ कहती हैं भैया मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी तुम मेरे लिए वो कर देना यानी कि बागेन का मतलब ये है कि अगर आलू का दाम किसी ने बोला कि ट्वेंटी रुपीज़ पर के है Uh, अगर शॉपकीपर ने बोला और अगर आपकी मॉम बोल रही है नहीं सर वैसे तो दस रुपये होता है फिर वो बोले नहीं मैडम हमारी तो इतनी वो कुछ, कुछ उससे बचत भी नहीं हो पाती है हमारा तो कुछ भी उसमें नहीं हो पाता प्रॉफिट ही नहीं होता तो वो बोलती है चलो uh, पंद्रह लगा लो ठीक ठीक तो वो बोलता है चलो मैम आपके लिए सत्रह पे डन कर देते हैं ओके सो दैट इज़ हाउ पीपल डू एंड प्रोमिस टू मेक कमिटमेंट टू कमिटमेंट्स कमिटमेंट टू ईच अदर बेसिकली एंड दे अग्री टू डू समथिंग रिचादा कि मैं आपके लिए इतना कर देती हूँ आप मेरे लिए इतना कर दो एक म्यूचुअल कंसेंट पे अग्री कर देते हैं ठीक है सो दैट इज व्हाट बार्गेन इज ऑल अबाउट समवन इज लुकिंग फॉर वर्क अगर कोई काम ढूंढने के लिए गया है वेटिंग टू बी हायर्ड और वो वेट कर रहा है यार मुझे कोई हायर करेगा मुझे बस कोई हायर कर ले स्ट्राइक्स बागेन बट थिंग्स इट्स इट वर्थलेस उसको एक बागेन अच्छी बागेन मिल जाती है यानी कि यार मेरे मुंह मांगा वाला पैसा मुझे मिल रहा है बट ये ना वर्थलेस है मतलब कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है इतना कीमती नहीं है उसका जो काम है सो ही ट्राइज ट्राइस अगेन बट डजेंट लाइक आई दो दो बारी और ट्राई करता है बट उसको दोनों ही प्रोफेशन अपने काम के पसंद नहीं आते पैसा उसको बराबर मिल रहा है बट उसको पसंद नहीं आ रहा वो काम

टेकिंग अप एनी करियर चॉइस डोंट रश ऑन इट टू मच आपको एकदम से रश आर पे नहीं जाना है दैट इज़ वाई इट हैज़ बिन एडवाइज टू डू सो एंड यू नो देर आर सर्ट इन डूज एंड डोंट्स सो वॉट इज द बाग इन एंड वाई इज़ द बेस्ट यहाँ पे बोला गया है बाग इन होता क्या और वो इतनी बेस्ट क्यों है ठीक है ये आपको सोचना है सो फार इन दिस पैराग्राफ वॉट वी आर एबल टू फिगर आउट इज बागेन बेसिकली दो लोगों के बीच की सहमति है जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए इतना इतना अकोमोडेट इतना इतना एडजस्ट करने को तैयार हैं सो दे मेक म्यूचुअल कंसेंट दे कम टू दे जम्प एंड टू अ सर्टन कंक्लूजन आउट ऑफ देयर बहस और डिबेट डिबेटिकल सिचुएशन फिर क्या होता है अगर कोई काम ढूंढने गया मैं काम ढूंढने गई हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड आई एम आस्किंग फॉर पीपल टू हाई मी ओके आई फाउंड प्रिटी गुड जॉब्स बट लाइक एट माई आज एंड एक्सपेक्टेड सैलरी इन माई एक्सपेक्टेड सैलरी ऑल्सो बट आई डेंट फाइंड द वर्क वर्थ लेस इन ठीक है आई फाउंड द वर्क वर्थ लेस देयर मुझे लगता है कि यार कोई काम की कीमत नहीं है इधर uh, मुझे नहीं लग रहा कि मैं वहाँ पर क्वालिटी काम कर रही हूँ वहाँ पर ग्रो कर पा रही हूँ कुछ सीख पा रही हूँ तो वो फिर से ट्राई करता है दोबारा से बट उसको फिर भी पसंद नहीं आते दो और जॉब्स फाइनली वो एक ऐसे चला जाता है ऐसी राह पर जहाँ पर उसको पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे बट खुशी ज़्यादा मिल रही है so always aim for happiness than to go for money okay tabhi bola jata hai, money is just a bait money is just a greed however uh, it's never to harm to monitor, to look uh, things in monetary aspects it's always good it is one of the reasons that you earn that you live your life and sustain your life for okay so that's but that's another thing but uh, one thing would be to find your happiness more than just the material उट ऑफ इट और मोर देन जस्ट फॉर दफ ड इट फॉर माटर ओके तो हमें यहां से पता चला एक अगर वो भी है, अगर उसे कमाई दो रोटी दो टाइम रोटी की मिल रही है तो no okay? so, बागिन क्या होता है और वो क्यों बेस्ट है यहां से हमें वो पता चलेगा okay? right, है, है. चलो जी ऑन दैट नोट हम देख लेते हैं भैया ये बागिन है एक राही है जो अपने रास्ते पे निकला है एंड ही इज़ रियली ही और शी इज़ रियली पाइनिंग फॉर जॉब्स टू कम अक्रॉस इज वे नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मिनट लेट्स लेट फाइंड इट आउट ओके यहाँ पे ये पेडेस्ट्रियन है ही इज जस्ट वॉकिंग एंड इन सर्च ऑफ नॉट इन सर्च ऑफ लव बट इन सर्च ऑफ मीनिंग ओके राइट चलो यहाँ से अबाउट द पोम में फर्स्ट पैराग्राफ है नाई यू ऑल हैव टू लिसन एंड अबाइड टू द रूल्स ऑफ क्लासरूम ठीक है कंडीशन तो आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पे बोला गया है पोम के बारे में कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड जब भी, भी कोई इंसान जॉब की तलाश में होता है ना you can you might not uh, be able to relate to this very poem because because you haven't gone out in search of jobs in search of employment but the ones who have just ask try asking your dad maybe uh, that what were the cruel times uh, that they faced violence while they were in search of jobs because I for one have a lot of times asked my dad that what uh, what were the inhibitions that you had that you've had or that you've ever faced while you were at it while you In for jobs, okay? तो पे पर बोला गया है वो आदमी अपना रेज्यू में लेकर निकल पड़ा और वो हर कंपनी में बांटते हुए जा रहा है प्लीज कोई एक्सेप्ट कर लो मेरे रेज्यूम ठीक है उसका जो सीवी है आप क्या होता है कम एंड हाउो मी आओ यार मुझे प्लीज हायर कर दो ले लो ले लो भैया मेरा सीवी ले लो आई क्राइड क्राइड का मतलब यहाँ पर रोना नहीं है चिल्लाना है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यहाँ पर क्लियर कर लो क्राइड मतलब चिल्लाना मैं चिल्लाते हुए बोला प्लीज मुझे हायर करो आओ आओ मुझे हायर करो ओके okay. तो कम आओ मुझे हायर करो चिल्लाया बिल्कुल वाइल इन द मॉर्निंग एकदम से जबकि सुबह सुबह आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड मैं जा रहा था पत्थर से भरे हुए रास्ते पे यानी कि अभी आगे पता चलेगा पथरीला रास्ता है क्योंकि ये जो जॉब ढूंढने का रास्ता है ना ये आसान नहीं है जी ठीक है uh, आग का दरिया है और डूब के जाने वाली बात है बिकॉज वेन एवर वी आर नीडी नॉट दैट वी हैव अ गुड टाइम एंड इट्स जस्ट यू नो मैच ऑफ टाइम इट जस्ट यू नो द टाइम दैट फेवर्स अस ऑलवेज कार्ट्स कुड भी स्टार्ड अगेंस्ट आ सो ऑलवेज देर आर चांसेज सो दैट इज़ वाई द स्टोन इज कॉल्ड द पेवमेंट इज कॉल्ड एंटाइटल टू बी फुल ऑफ स्टोन्स ओके पेवमेंट योर इज डिस्क्राइब्ड एज इट इज़ फुल ऑफ स्टोन यानी कि पथरीला रास्ता है एकदम सुदामा जैसे कांटों भरे पैर के साथ चलते हुए हैं ना वैसे वाला रास्ता है स्पोर्ड इन हैंड यानी कि मैं आई एम फुल ऑफ एम्बिशन आई एम अ करियर ओरिएंटेड मैन मेरे हाथ में है तलवार एंड द किंग केम इन हिज शारीट और जो किंग जो है अपने शारियट में आया है यानि कि एक दो व्हील की गाड़ी व्हीकल जो घोड़ों से चलती हुई आती है तो घोड़ सवारी पर आया हूँ मैं राजा बन के और मेरे हाथ में तलवार तैयार है दैट मीन्स आई एम ऑल सेट टू बी डाइविंग इन टू माई जॉब थिंग ओके आई एम ऑल सेट फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ टू स्टार्ट चलो जी ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड अब जो है उसके सामने ही मतलब होता क्या है कि जब वो वॉक कर रहा था पथरीले रास्ते पे तो एक राजा आया उसके पास बोलता है ठीक है उसको एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया आप उसको रेफरेंस से मिला के चलो तो एक राजा आया अपनी घुड़सवारी पर बैठ के शारीयत से बैठ के ही हैल्व माय हैंड एंड सेड उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर मैं तुम्हें तो हायर करता हूँ अपनी शक्ति के साथ अपनी पावर के साथ बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट लेकिन उसकी जो आ, पावर थी वो कुछ भी एकदम नील थी नेग्लिजल थी वो किसी भी चीज के लिए काउंट नहीं होती थी एंड यू वेंट अवे इन हिस्टारियट और मैंने उसे भगा दिया भाई जाओ ना 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 ऐसी पावर का फायदा क्या जब कोई प्रजा तुम्हारी सुने ना है ना तो ऐसे राज्य का भी फायदा क्या आई डोंट वॉन्ट टू बी दिस किंग दिस ब्रूटल और दिस क्रूअल और दिस मर्सिलेस किंग फॉर दैट मार्टर ओके तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट कंडीशन आती है लिसन बहुत ध्यान से सुनना है आपने ठीक है यहां पे बोला है बेटा कम एंड हाईमी वो जाते हुए बोलता है एक इंसान है यहाँ पे रविंद्रनाथ नाथ टेगोर बोलते हैं आपने स्ट्रगलिंग फेज़ की बात बता रहे हैं वो बेसिकली आओ मुझे हायर करो मैं चलते जा रहा हूँ पथरीले भरे रास्ते पे जिस में कांटे हैं एंड द पाथ इज़ नॉट टफ़ लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज कोर्स है ना सो देर टू बी देर हैव टू बी सम थेड इन इट ओके सो दैट्स वॉट दैट वॉट हैपन्ड बेसिकली दैट्स वॉट ऑल हैपन्ड दैट्स ऑल वॉट हैपन बेसिकली अब क्या होता है उसने बोला हायर करो मैं चिल्लाते हुए गया सुबह सुबह निकला था मैं मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा हूँ पथरीला पथरीला रास्ता है स्टोन पेव पेव्ड यानी कि पेवमेंट क्या होता है रास्ता पाथ चलो जी फिर क्या है मेरे हाथ में है तल वो मेरे हाथ में नहीं है तलवार एक किंग आता है तलवार के साथ वर्ड है उसके हाथ में किंग आता है एक शेरियट में बैठ के शेरियट क्या होता है जी शारियट है जी घुड़सवारी पर बैठकर आता है ठीक है उसका इंग्लिश में पूरा मतलब यहां पे बताया गया है देखना ध्यान से यहां पे बोला गया अ टू व्हील्ड व्हीकल ड्रॉन बाय हॉर्सेस ठीक है दो व्हील का व्हीकल है जो हॉर्सेस से ड्रॉ किया गया है राइट अब क्या है ही हैल्व माई हैंड उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा एंड सैड आई विल हायर यू विद माई पावर मैं तुम्हें तो अपनी शक्ति के साथ हायर करता हूँ ठीक है ये राज्य को तुम संभालो प्रजा तुम मेरे अंडर काम करो बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट नॉट मतलब है नथिंग उसकी पावर किसी के लिए भी काउंट नहीं होती है ठीक है एंड ही वेंट अवे इन हिज शारियट यानी कि ऐसी पावर का फायदा क्या मैं तो फिर भी गुलामी बन के रहूंगा ना ऐसे फायदा मैं क्यों रहूँ भाई मुझे पावर नहीं चाहिए मुझे खुशी चाहिए हैप्पीनेस तो उसकी जो पावर है ना दैट्स नॉट वॉट आई हैव बिन एमिंग फॉर दैट्स नॉट वॉट आई डिजायर फॉर डिजायर फॉर एंड दैट इज नॉट माई पर्पज इन लाइफ ओके तो दैट इज वाई ही डिनाइज द जॉब ऑफर एंड सेट यार ठीक है जाओ तुम अपने शारीर पर बैठ के वो भाग गया ठीक है सो वॉट इज दिस ही इज अ किंग विद अ स्वॉर्ड इन इज हैंड ये किंग है इसके हाथ में स्वॉर्ड है जो कि हमें नहीं दिख रही है बट है जरूर ठीक है तभी तो वो बोलता है मैं तो मैं अपनी पावर से हायर करता हूँ ठीक है स्वॉर्ड से हायर करता हूं और जो है शारीर है मेरे हाथ में बच्चा राइरी ठीक है ठीक है ठीक है सॉर्टेड है चलो जी आगे देखते हैं अब आता है अपने पास में अबाउट द पोम में ही अबाउट द पोम में हम देख लेते हैं अब देखो दूसरा पैराग्राफ है इसमें इन द हीट ऑफ द मिड डे यानी कि दोपहर दोपहर हो गई अब पहले सुबह से निकला वो एक किंग आया उसको तो उसने मना कर दिया दूसरा जॉब ऑफर है इन द हीट ऑफ द मिड डे यानी कि एकदम लंच का टाइम है गर्मा गर्मी हो रखी है द हाउज टुड विद शट डोर्स घर में इतनी लू चल रही है कि सबके दरवाजे बंद है एकदम ठीक है सो द हाउस ऑफ द हाउस टुड विद शट डोर्स यानी कि सबके दरवाजे खड़े हुए बंद दरवाजे से सबके घर हैं बंद दरवाजे से खड़े हुए आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द crooked लेन मैं उस पागल से रास्ते पे घूमे जा रहा हूँ घूमे जा रहा हूँ घूमे जा रहा हूँ ठीक है ठीक uh, है फिर क्या होता है एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ़ गोल्ड एक बूढ़ा आदमी आता है और गोल्ड के भरे हुए बैग से मुझे मेरे पास आता है भैया ही इज़ रियली ट्राइंग टू ल्योर मी यानी कि एक इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आया है जिसमें वो कह रहे हैं भर भर के पैसे देंगे भाई तुम्हें ठीक है ही पॉन्डेड एंड सैड उसने एकदम से मतलब ही वॉज जस्ट एस्टाउंडेड वो बहुत ज़्यादा सोच रहे ही वस्पेक्टिंग और उसने कहा वो आया वो आदमी और कहते हैं आई विल हायर यू विद माई मनी मैं तो मैं खूब पैसे दूंगा तुम तो मेरे अंडर काम करो ठीक है अपने पैसे से मैं तुम्हें तो हायर करता हूँ ही वेड हिस्स कॉइन्स वन बाय वन अब यहाँ पे जो व्यक्ति है जो जॉब की तलाश में है ही स्टार्ट ही स्टार्ट्स टू वेइंग द कॉइंस उनका वेट नापराए बोझा कितना वे है ये कॉइन का बट आई टर्नड अवे कहता है फिर भी मुझे मज़ा नहीं आया कि पैसा मुझे खरीद ही नहीं सकता ना मुझे पावर खरीद सकती है ना मुझे पैसा खरीद सकता है सो दैट इज वाई ही टर्नड ही पेव्ड हिज वे पेव्ड हिज पाथ क्रॉस ठीक है ही क्रॉसड हिज पाथ विदाउट हैविंग टू लुक एट इट वाइस तो क्या हुआ बेटा ये क्रुकेट होता है क्रैंकड विद क्रैंक्ड विद क्रांक समथिंग हैविंग टू मेनी बैंड यहां पर हमें पता चला है क्रुकेट मतलब होता है जिसमें बहुत सारे कट्स होते हैं ऐसे उबड़ खाबड़ सा रास्ता है ठीक है क्रुकेट लेन मतलब होता है यस परफेक्ट सो क्रुकेट लेन होता है बेटा जो उबड़ खाबड़ सा और टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है जिसका कोई भी वो नहीं है कि बहुत स्मूथली चल रहा हो एंड रियली पिसिंग मी ऑफ ओके तो यहाँ पे हमें पता चला जब सभी घरों के दरवाजे खड़े हुए हैं बंद स्टूड मतलब खड़े होना बंद है ओके आई वॉन्ट मैं घूमता रहा भटकता रहा चलो जी अलोंग द क्रुके लेन यानी कि वो जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनके साथ घूमता रहा टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ठीक है जादुई मारते हैं यहाँ पे क्रैंग नहीं होगा बेटा क्रुकेट होगा क्रुकेट मतलब है पागल रास्ते यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते लेन क्या है रास्ते समझ गए मतलब ठीक है जी अब एक बूढ़ा आदमी आया जिसके पास बैग भरा हुआ है he pondered, ये बूढ़ा आदमी यही ओल्ड मैन जो है ही पॉन्डर्ड यानी कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट और उसने कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूं अपने पैसे के साथ उसने कॉइन्स को वे करा दिखाया बट फिर भी उसने मुंह मोड़ लिया वो नहीं आया इसकी बातों में ठीक है ओल्ड मैन आता है एंड ही इज ऑफरिंग दिस पर्सन विद लॉर्ड ऑफ मनी ही इज फिलिंग this person's pocket with huge big chunks of money big fat chunks of money thikai? even then the narrator the person who is telling his life story has denied the amount and the job as well has refused to take this job accept the job offer Mana dita hai, bhiya. so neither power nor money can hire me पैसा तो मुझे नहीं हायर कर पा रहा पावर भी नहीं ठीक है चाहे मैं राजा के महल में काम कर रहा हूँ चाहे मैं एक बहुत ही बड़ी महंगी फॉर्म में काम कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से ठीक है इट इज़ इस्पेक्टिव ऑफ ऑल द स्टार्ट दैट कम अक्रॉस माई पाथ ओके आफ्टर दैट अब थोड़ी सी शाम होएगी सुबह हो गई है दोपहर हो गई है लेट्स लुक एट सम मोर फेजेज इन हिज लाइफ जो रात तक चलेंगे बेसिकली ऐसा नहीं उसने है उसने चार ही जॉब ढूंढी है बट सुबह दोपहर शाम रात हमने एक प्रहर में बांध दिया एक फेज में बांध दिया पूरे दिन को ऐसा तो ही इज बिन रियली स्टम्बलिंग अपॉन द आइडिया ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब बेसिकली अ गुड डिसेंट जॉब वो डेली चक्कर काट रहा होगा बट वो हमने चार पाँच में वैसे ही डिवाइड कर दिया जस्ट टू टेक आउट द एसेंस फॉर आ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल राइट फिर क्या होता है ध्यान से देखना अभी थर्ड पार्ट इसमें बोला है इट वॉज इवनिंग शाम हो गई थी शाम भी कोई ठीक <laughs> है द गार्डन ऑल फ्लावर गार्डन हैज यानी कि जो बगे की फुलवारी है देखो लुक हाउ ब्यूटिफुल लुक है ना ये जो बगी की फुलवारी है पूरी फेंस यानी कि पूरी चादर से ढकी हुई है पूरा उसने फेंस किया हुआ है कवर्ड है एकदम फ्लावर से द फेयर मेड खेम आउट एंड सैड एक बहुत ही प्यारी सी मेड आती है महिला आती है बाहर निकल के और कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल ठीक है सो शी इज जस्ट बेसिकली ट्राई ना लियोर दियोर दैट पर्सन और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से हायर करती हूँ जिस बी माई एम्प्लॉय आई आई कैन जस्ट हायर यू सिंपली तुम इस बगी के माली बन सकते हो कुछ भी बन सकते हो वट एवर दिस वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी डन तो वो बोल, वो बोलता है कि हर स्माइल एंड मेल्टेड टीयर्स मतलब स्माइल भी कब तक चलेगी ये जो अच्छा समय है वो भी कब तक चलता है सो स्माइल ऑलवेज डीवेल फॉर एवर नथिंग स्टेज फॉर एवर बेसिकली तो यहाँ पे भी बोला गया उसकी जो स्माइल एकदम से पीली पड़ गई और आंसुओं में बदल गई क्योंकि बुरा वक्त भी तो आता है जल्दी है ना फ्यूचर पहले ही प्रडिक्ट कर लिया उसने एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क और जैसे ही उसका बुरा वक्त स्टार्ट हुआ सो शी शी वैनिश वो चली गई अकेले अंधिया में चली गई दैट मीन्स नॉट इवन एन अट्रैक्टिव वीमेन अट्रैक्टिव वुमेन कैन डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम गेटिंग अ जॉब ओके फ्रॉम हिज गोल बेसिकली उसके टारगेट से उसको कोई भटका नहीं सकता था तो शाम हो गई थी गार्डन जो है पूरा हेज से भरा हुआ हैज क्या है फेंस से भरा हुआ है ठीक है फेंस डे यानी कि फुल फिल्ड अप विद ऑल दी फ्लावर्स दैट वी हैव एक सुंदर सी महिला आके बोलती है कि मैं तुम्हें स्माइल से हायर करती हूँ उसकी स्माइल जो है पीली पड़ गई पेल हो गई और आंसुओं में बदल गई और उसको डाक में अकेले ही जाना पड़ा ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट को मात दे दी है एक तो मनी पावर और इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्माइल बेसिकली अट्रैक्शन को भी उसने मात दे दिया है कि नथिंग कैन अट्रैक्ट मी मैं सारी विलासताओं को भी छोड़ सकता हूँ ठीक है उसने ही डिनाइज एंड रिफ्यूज टू टेक ऑल दीज जॉब ऑफर्स ठीक है विच कम्स आउट ऑफ मनी और आई पावर और आई आउट ऑफ अट्रैक्शन ठीक है उसको नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए बट फाइनली अब वॉट डज दिस पर्सन एक्चुअली रियली रियली वॉन्ट क्या चाहता है ये वट इज ही पाइनिंग फॉर रियली देखते हैं एक बार अब जो है रात होने लग जाएगी ध्यान से देखना द सन glistened ऑन द सैंड अब जैसे वो जाके पहुंचता है एक बीची एरिया पे पहुंच जाते हैं ध्यान से देखना ये देखो बीची एरिया है और वहाँ पे जो सन है वो चमक रहा है एकदम स्पार्कलिंग लाइट दे रहा है क्योंकि वो जाने को हो रहा है चंद्रमा की अब रोशनी आने वाली है एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वॉर्डली यानी कि जो सी वेव्स हैं समुद्र की जो लहरें हैं आगे पीछे आगे पीछे हो जा रही हो जा रही है अ चाइल्ड सैड विद विद्स एक बच्चा बैठा हुआ है और वो सीपियो के साथ खेल रहा है शेल्स के साथ सी शेल्स के साथ ही रेज हिज हेड उसने अपना सर उठाया बच्चे ने देखो इसकी तरह ये बच्चा ही रेज इज ऑफ हिज ही राइज ऑफ हिज़ हेड फिर क्या होता है आई एंड सीम टू नो मी एंड सैड और ऐसे लग रहा था वो बच्चा मुझे जानता है और कहता है आई हायर यू विद नथिंग मैं तुम्हें तो हायर करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए नहीं आई एम एज़ प्योर एंड एज़ पायर्स एंड एज़ यू नो सेन एज़ दिस सी वॉटर ठीक है इज एज दी आर एज दी द दैट यू मे टेक फ्रॉम दिस नेचर ब्यूटी एंड डियरली नेचर ऐसा वो कहना चाह रहा है मैं इतना पवित्र हूँ जितने कि ये uh, समुद्र का पानी जितना कि नेचर से तुम ले सकते हो तो मैं उतना पवित्र हूँ तो मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए हायर नहीं करूँगा बस खुशी है एक फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड यानी कि उस दिन के बाद से आगे दैट बाग इन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन तो वो जो बागेन था ना कि जिसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा बट मेरी सारी खुशी उसी में समाई हुई है वो अटक गया मैं वहां पे उस बच्चे के खेलने से सैंड के साथ वो खेल रहा है बट इतनी मासूमियत थी उसके उस आ, प्लेफुल कैरेक्टर में नेचर में जिसने मुझे एक फ्री आदमी बना दिया वे वार्डली वे वार्डली होता है बेटा विलफुली ठीक है ध्यान से देखना तो यहां से हमें पता चला जो सूर्य है वो चमक रहा है एकदम सैंड पर मिट्टी पर एज वी ऑल नो वी मिट्टी पर चमक रहा है सी वे एकदम आ रही शेल से, से खेल रहा है बच्चा मैंने अपना सर उठाया और कहा यार मैं उसने बोला मैं किसी भी चीज से हायर नहीं करता तो उस दिन से फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड तब से वो जो बागेन था वो अटक गया चिपक गया मेरे दिमाग में दैट स्टक विद मी एवर सेंस आई हैड हर्ड अ फिट आई है फिट और उसके बाद मुझे एक फ्री इंसान बना दिया ओके सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट द पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव हैप्पीनेस ओके सो दिस पर्सन वॉट ऑल वॉट वॉट ऑल आर द थिंग्स दैट द पर्सन चूज टू इग्नोर मनी हटा देता है वो पावर हटा देता है सारी विलासिताओं को मोह मह को हटा देता है यानी कि अट्रैक्शन को भी हटा देता है बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स वॉट ई एक्चुअली चूजेज इज टू क्या करता है किसको चूज करता है जी किसको चूज करता है वो चूज करता है हैप्पीनेस को ठीक है सो ही ओनली चूज चूज़ेस हैप्पीनेस एवरी थिंग दैट कम्स अक्रॉस एस पाथ राइट चाहे उसे पैसे कम मिल रहा हो बट सुकून ज्यादा होना चाहिए राइट right? चलो तो अब ये कुछ समरी है हमारी इस पोम की ध्यान से देख लेते हैं हम इसको भी लास्ट बागिन में बोला है द पोम डिस्क्राइब्स द डेली वेज ऑफ हुज़ इन सर्च ऑफ वर्क चार नंबर का आता है बेटा आपका यहाँ पे समरी उसको ध्यान से देखेंगे पोम जो है एक डेली वेज और यानी कि रोजमर्रा की, रोज की जिंदगी में रोजमर्रा की कमाई वाला जो दिहाड़ी वाला इंसान है वो काम की तलाश में है ही वॉज वेटिंग टू बी हायर्ड वो वेट कर रहा था कि कोई हायर करेगा वाइली वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड ही क्राइड दैट ही वॉन्टेड टू बी हायर्ड एन वर्क वो सुबह सुबह चिल्ला रहा है पथरीले रास्ते पर जाके यार मुझे काम दे दो काम करना है

then the man was wandering along the crooked lane in the afternoon when the weather was scorching अब आदमी जो है वो इंसान वो भटकते हुए जाता है उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में दोपहर भरी बर गर्मी से भरी हुई भरी धूप थी वहाँ पे और जो मौसम है स्कॉचिंग बिल्कुल काटने को हो रहा था द डोर्स ऑफ ऑल द हाउसेज व शर्ट एकदम गर्मी से सबके घर के दरवाजे बंद है एंड ओल्ड मैन केम आउट विद द बिग बैग ऑफ गोल्ड एक बूढ़ा आदमी आता है गोल्ड के भरे हुए बैग के साथ ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उसे चारों जॉब मिल रही है वो बस मेटाफॉरिकली बताया गया है बट इन केस अगर आप रियल लाइफ में कंपेयर करो तो एक दिन कुछ होता है दूसरे दिन कुछ होता है ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज़ आती है सम डेज़ यू रिजेक्ट देम बट सम डेज यू ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट देम आउट ऑफ योर वॉलरेबिलिटी आउट ऑफ योर नीडीनेस ओके Uh, तो क्या होता है यहाँ पे आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ वो देख रहा है करूँ या नहीं करूँ बैग ऑफ़ गोल्ड मिल गया है ही सॉ चाइल्ड हु सिटिंग एंड प्लेइंग विद सी शेल्स उसने ये देखा यार बैग तो गोल्ड से भरा हुआ है बट फिर वो क्या करे बेसिकली uh, जब वो आगे जाके देखता है सी शेल से जब वो भरा हुआ है एक बच्चे उससे खेल रहा है तो उसको उसके आगे और कोई जॉब नहीं दिखी उसने अपना हाथ उठाया और वो बोलता है कि यार ऐसे लग रहा है मैं जिस मैं इसे सदियों से जानता हूँ

तो यहाँ पे बोला गया कॉम्प्रीहेंशन टेक्स में हु इज द स्पीकर इन द पोम स्पीकर कौन है एक एम्प्लॉयर है जो जॉब की तलाश में सो अ मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर इज द स्पीकर एक आदमी है अपने एम्प्लॉयर की तलाश में है वो कि एम्प्लॉयमेंट की, की तलाश में है वो स्पीकर है द किंग्स वर्ड इन हैंड हेंडेस्ट एक uh, राजा है जिसके हाथ में तलवार है इसका मतलब संपत्ति है पावर है मोर पावर दैन वेल्थ यानी कि पावर ज्यादा है संपत्ति से क्या है ठीक है बेसिकली एक ऐसा आदमी आया जिसके हाथ में तलवार है इसका मतलब वो पावर का प्रतीक है ना उसने खुद ने बोला था आई विल हायर यू विद माई पावर तो हमें जो है अप्रोप्रिएट आइटम स्टैंड वन से मार्क करना है ठीक है तो उसने बोला था जब आई विल हायर यू विद माई पावर तब से आया था वो राइट right? चलो दो क्वेश्चन हो गए और देख लो तीसरा द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉर्ड ऑफ मनी वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर ओल्ड मैन ने बोला दोपहर को मैं तुम्हें तो बहुत पैसे दूंगा मेरे अंडर काम कर लो फिर भी उसने मना कर दिया क्यों बिकॉज़ उस आदमी को पैसे सिर्फ नहीं चाहिए थे ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग ए स्लेव फॉर गोल्ड वो एक चंद गोल्ड के चक्कर में किसी का गुलाम नहीं बनने को रेडी था उसको बस अपनी फ्रीडम चाहिए थी दैट्स व्हाट दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स टू हिम ठीक है आगे देखते हैं फाइंड इन द पोम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग रीड बोथ वन आफ्टर द अदर देखो भैया आ, हमें जो है पोम से लाइंस निकालनी है फिर उसके बाद पढ़ना है जैसे कि आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड च्योर मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए सिवाय एक अच्छी विशेष के और खुशी के ठीक है इसका मतलब है हमने फोर्थ पैराग्राफ में देखा था आई हायर यू विद नथिंग सेट बाय अ लिल चाइल्ड हु इज़ प्लेइंग एंड बिल्डिंग कैसल्स ऑन दी सैंडस्टोन्स ओके ऐसे हमें पता चला इसका मतलब हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देनो एंड मतलब उसको खुशी चाहिए थी बस ओके यहाँ पे ये बोला गया हर हैप्पीनेस वाज़ नो मोर देन सोरो एंड डिस्गाइज का मतलब आ, वो किसके लिए थी आ, ये बोला गया उस लड़की के लिए जो हमने तीसरे पैराग्राफ में देखा उसकी जो हैप्पीनेस थी ना अंदर उसके दुख छुपा हुआ था जितने भी आप कमेडियंस देख लो कितने भी आप खुश मिजाज लोग देख लो उनके दिमाग, दे कम फ्रॉम अ वेरी डार्क प्लेस एंड इन फैक्ट ऑल ऑफ अस तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में कहीं ना कहीं दुख तो छुपा हुआ है बिकॉज नथिंग इंपॉर्टेंट्स फॉर एवर तो उसने भी यही बोला इसकी स्माइल कब तक चलेगी भाई कभी ना कभी तो मुरझाएगी रोज़ भी मुरझाता है लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़ देर आर थॉर्न्ज वेल ओके तो उसकी जो स्माइल थी वो पैराग्राफ में गिवन है हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू ट्योर्स उसकी मुस्कान ये मुस्कान की चमकान कहीं और ऐसा बोलते हैं ना तो यही जाकिर भाई को फॉलो करते हुए बोला है ये जो मुस्कान की चमकान है पीली पड़ गई है और पिघल गई है आंसुओं में आगे देखते हैं द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच किंग का जो वो पावर थी ना इतनी उसी की काम की नहीं थी कीमती नहीं थी ठीक है बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट इसका मतलब था उसकी जो पावर है वो नथिंग के बराबर है न के बराबर नॉट एन ए यू जी एच टी ओके फिफ्थ क्वेश्चन देखो हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच स्पीकर को कैसा लगा जब चाइल्ड से स्पीकर पे उसने स्पीकर पे नहीं उसने बीच पे बात करी स्पीकर को कैसा लगा उसे बहुत कंफर्टेबल बहुत सूदिंग लगा बहुत कम्फी लगा बेसिकली सो द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन जॉय एंड फ्रीडम उसे लगा यार बच्चे की तरह ही उसी की लाइफ में जाना है मुझे चाहिए संतुष्टि मुझे चाहिए खुशी मुझे चाहिए स्वतंत्रता आज़ादी ओके okay? आज़ादी के इस जश्न पर हम मनाएंगे फिफ्टी ऑगस्ट को आज़ादी डोंट यू वरी गाइज नाउ डोंट फरगेट टू डाउनलोड दी अनअकेडमी ऐप जिसमें भी मैंने आपको लेटेस्ट प्लस और आईकॉनिक के फीचर्स बताए उसके लिए अनकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना बग्स बाउंटी आज कर डाउट को अवेल करना है अनअकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना एप्सोल्यूटली फ्री में अवेलेबल है गूगल प्ले ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है लेटेस्ट फीचर्स ट्राई करने के लिए सारा निधि जीरो वन कोड लगाना मत भूलना आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट बिकॉज

hands our knowledge together okay yeah so uh, let's end the session on that note and we will see you with we will hit you up with another uh, fr fun and frolicking session okay so bye bye take care bye